हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग यादव। आई एम श्लेखा फ्रॉम इंदौर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं जब अपने घर गई तो मैंने 1K कंप्लीट होने पर मेरी फैमिली ने कैसे मुझे सेलिब्रेट कराया। तो आप लोग भी साथ में आइए और केक काटिए और देखिए मेरा छोटा भाई कितने सारे वेफर्स लेके आया, आप देख सकते हैं। और मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी, ये मेरे लिए सरप्राइज था। जब मैं गई उसने बोला कि जब तुम घर आओगी तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, क्योंकि मैंने 1K कंप्लीट होने पर केक नहीं काटी थी। मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स बोलते रहे थे कि यार सेलिब्रेट क्यों नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो कर लूँगी, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो भाई बोला कि रहने दे, जब घर आ जाएगी तो तेरे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे साहब वेफर्स में घुस गए। और ये मेरे फैमिली है, मेरे मामा जी हैं ब्लैक शर्ट जो पहने हैं, और पापा हैं, मम्मी हैं, और ये हमारा किट्टू है, शौर्य, और ये रुद्र हैं, और ये पापा हैं। देखो कितने अच्छे से क्लैप करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और केक में काट रही थी तो हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे, भूल गए हैप्पी बर्थडे बोलने लगे। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपनी फैमिली के साथ कि चलो मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करती है और इतना प्यार करती है कि मुझे वहाँ जाने पर इतना अच्छा लगा कि मेरे लिए सरप्राइज रखा गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी मेरी फैमिली ने मुझे सेलिब्रेट कराया, केक कटवाई और मैंने खूब इंजॉय किया। आप देखो पीछे बलून भी लगे हैं। दीदी की बेटी है जो महिमा, वो साथ में रहती है, तो उसने बहुत इंजॉय कराया। और आप देख सकते हैं वेफर्स का तो भंडार लगा था, और केक पर भी भाई गुड़िया मल्टी ब्लॉग 1K लिखवा के लाया, और केक भी बहुत अच्छी थी। तो हम लोग जब प्रोग्राम में से आए तो उसके बाद से भी थकान नहीं निकल रही थी। तो उसके दूसरे दिन उसने केक, मम्मी को लग रहा था फोटो निकल रहा है तो खड़ी रह गई। मैंने बोला फोटो नहीं है, वीडियो हो रही है। तो उन्होंने केक खा ली, केक खाती नहीं है, ज़बरदस्ती मैंने खिला दी, कहती है उसमें अंडा होगा, तो हम लोग क्या अंडा नहीं खाते, तो खानी नहीं थी, पर मैंने ज़बरदस्ती खिला दी। और ये महिमा है हमारी, ये देखो कितनी खुश हो रही, और इसने ही तो सरप्राइज रखवाया था। बहुत प्यार करती है मेरे को लड़की। और जब मैं आई तो उसने मुझे आलू के चिप्स बना के दिए अपने हाथों से, बोले मौसी मोम आपके लिए हैं। और बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, मुझे भी कार्टून बना रहे हैं साथ में। मामा है, पैसे दे रहे हैं नौछावर करके, कह रहे थे कि हाँ यूट्यूब पे तरक्की करो बहुत, और बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हो। आप देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी बहुत मजे आ रहे थे। आप देख सकते हैं ये मेरे फेस बिगाड़ रही है, मैं उसको मना कर रही हूँ। तो भाई केक लेके आया, सारी चीज़ें लेके आया, लेकिन वीडियो में नहीं आ रहा था, बोले तुम इंजॉय कर लो, मुझे नहीं आना वीडियो में। तो मामा थे, पापा मम्मी थे, और कोई था नहीं, बड़ा भाई और भाभी रहते हैं दूसरे घर, तो वो भी नहीं आए, वो भी कहीं प्रोग्राम में गए थे उस दिन। तो मुझे भी दूसरे दिन निकलना था इंदौर के लिए। तो आप देखिए केक कैसी लगी, और आप वीडियो को वॉच कीजिए और मुझे बताइए कि आपको केक कैसी लगी। और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था क्योंकि मैं बाहर टेबल रख ली थी, आंगन में ध्यान नहीं दिया था कि अच्छे से उजाला नहीं होगा, पर मुझे तो बहुत मजे आए। और आप लोग कहेंगे कि दोबारा से सेलिब्रेट करूँ तो मैं फिर से इंदौर में अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ फिर से सेलिब्रेट कर लूँगी, और छोटी सी पार्टी फिर से रख दूँगी। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ और केक भी खाइए, इंजॉय कीजिए। मैंने सेलिब्रेट कर लिया आप लोगों के कहने पर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा ने भी मुझे पैसे दिए, मम्मी ने भी दिए, और सच में मायके जाते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि हम उस घर की रानी है, कुछ काम नहीं करना होता, सारी चीज़ें अपने हिसाब से होती रहती हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हमारी मम्मी। मैं यहाँ से जाती हूँ तो बिल्कुल कभी नहीं करने देती काम, पूरा पसंद का खाना बनाती हैं। और जो कुकिंग का टैलेंट है, हुनर है, वो तो मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। तो देखो मम्मी आ गई हैं, और मैं दे रही हूँ टिफिन में केक, क्योंकि जो मामा जी हैं उनकी बेटी, मेरी सिस्टर, उनके बच्चे छोटे छोटे से, तो मैंने कहा उनके लिए भी केक दे दें। तो बस इतनी छोटी सी हमने पार्टी रखी थी। अगर आप लोगों को मेरी 1K की पार्टी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पर ये शूट करने वाला जो कैमरामैन है ना, थोड़ा हिला डुला रहा था वीडियो को बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग मुझे इस तरीके से प्यार कीजिए। बाय, थैंक।